दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ज़रूरत होगी एक अच्छा कीवर्ड निकाल लें और उस पर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन इंटरनेशनल कीवर्ड निकालना अपने आप में एक कठिन कार्य है, लेकिन कैसे आप इजीली बिना किसी यहाँ पे प्रीमियम टूल के आप इजीली यहाँ पे कीवर्ड निकाल सकते हो, इंटरनेशनल कीवर्ड, वो भी आप किसी भी कंट्री के कीवर्ड्स को निकाल सकते हो और उस पर अपना ब्लॉग बनाकर उससे काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कैसे आप यहाँ पे इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च करोगे उसके ऊपर ये वीडियो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी गूगल ट्रांसलेट की। और गूगल ट्रांसलेट क्यों हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो इंग्लिश है और इंग्लिश में हम यहाँ पे अपना जो भी अपना कीवर्ड डालेंगे वो यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हो सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिखेंगे, वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इटालियन लैंग्वेज पे ज़्यादातर काम कर रहा हूँ तो इटालियन लैंग्वेज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, तो इस पर मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्री कीवर्ड जनरेटर। HRF का यह फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है, ये आपको विजिट कर लेना है। गूगल में आप लिख देना HRF कीवर्ड जनरेटर टूल, फ्री में आ जाएगा, उसे ओपन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल ट्रेंड। और गूगल ट्रेंड की मदद से यहाँ पे बेसिकली हम उस कीवर्ड का यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए, अगर जब भी आप ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो आपको आपके माइंड में इंडिया हिंदी ब्लॉगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, तो हिंदी ब्लॉगिंग आपको समझ में आता है और हिंदी ब्लॉगिंग आप कर लेते हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड अन्य कंट्री में दूसरे लैंग्वेज में भी सर्च किया जाता होगा? जैसे कि जैसे हम इंडिया में सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, अर्न मनी ऑनलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं bloggingskill.com पे अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट बनाए हैं, एक दो पोस्ट बनाए हैं। ठीक है, तो अर्न मनी ऑनलाइन से संबंधित कीवर्ड तो इटली में भी सर्च किए जाते होंगे, तो इसीलिए हमने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया और यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा अर्न मनी ऑनलाइन। अर्न मनी ऑनलाइन लिखने के बाद अब यहाँ पे देखो इटली में इसका लैंग्वेज क्या होता है, ये इसका लैंग्वेज होता है और इसको हमें कॉपी कर लेना है। जब आप इसे कॉपी करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, HRF कीवर्ड जनरेटर टूल में आके इसको पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, मैंने यहाँ पे इटली सिलेक्ट किया है। फाइंड कीवर्ड्स पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई होने के बाद अब आपके सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। देखिए ये कीवर्ड की पूरी लिस्ट है और कीवर्ड की लिस्ट आप देखो तो काफ़ी यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी ईजी दिखा रहा है और ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड आप टारगेट करके अपना एक पर्टिकुलर ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर निश सिलेक्ट करके बना सकते हो अपनी वेबसाइट और उस पर अपना बहुत सारा कंटेंट पब्लिश करके एक अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो साइट की। और जो भी पोस्ट आप डालोगे डेफिनेटली वो रैंक करेगा जैसे जैसे गूगल आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करने लगेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप कीवर्ड निकाल सकते हो। अब चलिए ये वाला कीवर्ड हम गूगल में डालते हैं, तो ये वाले कीवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे हम गूगल में इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं और सर्च करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फीचर स्निपेट में एक वेबसाइट यहाँ पे .it यानी इटालियन डोमेन है, यहाँ पे .it नाम से रैंक कर रही है फीचर स्निपेट में। एंड नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो .com है, उसके बाद .it है, .com है, .com है, मतलब .it डोमेन अगर आप ले लोगे तो डेफिनेटली आप इजीली रैंक कर पाओगे। चलिए इस साइट को हम यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, ओके इसे कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये इटालियन लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर दिया। और यहाँ पर इन्होंने पूरा यहाँ पर मेथड बताया है पैसे कमाने के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनका ट्रैफिक चेक करवा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ट्रैफिक 10,000, 13,000, 11,000 ऐसे ट्रैफिक है और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पे देखो टोटल जो कंट्री है वो मैक्सिमम ट्रैफिक इटली से आ रहा है, इटली से 94.98% ट्रैफिक है।
और टोटल सर्च जो आ रहा है ना, देखिए वो टोटल जो ट्रैफिक आ रही है वो सर्च से आ रहा है, ठीक है। 78.39% सर्च से है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिकली लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपना ब्लॉग बना सकते हो इस नीच से रिलेटेड, अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। अब मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि कैसे बेसिकली कीवर्ड निकालना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और कीवर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे इटली में हम बोनस बहुत बहुत ज़्यादा चलता है, मैंने पिछले वीडियो बताया है पहले भी, बोनस बहुत अच्छा चलता है वहाँ पे, हरदम बोनस नया नया आता है। तो बोनस को बोनस कहते हैं, बोनस को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, HRF कीवर्ड जनरेटर टूल में आएंगे एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इटली सर्च कर लेना, इटली कंट्री को टारगेट करके। अब यहाँ पे हम जब फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे बोनस लिख के, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बोनस से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड हैं और बोनस से रिलेटेड यहाँ पे देखो 100 के सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो बोनस से रिलेटेड हमारा, अब चलिए बोनस से रिलेटेड तो हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लेके, जैसे ये वाला कीवर्ड है बोनस मम्मा 2024, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड हम फिर अगेन यहाँ पे गूगल में इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके इसे हम सर्च कर देंगे। अब जब सर्च करेंगे तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आएंगे बोनस से रिलेटेड, क्योंकि बोनस में देखो बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, लोग बोनस के बारे में लिखते हैं। और इस यही रीज़न है कि मैंने भी बोनस से रिलेटेड एक ब्लॉग शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोनस से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं गूगल ट्रेंड में, ठीक है। अब गूगल ट्रेंड में जाने के बाद आपको सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, मैंने इटली सिलेक्ट कर लिया। एक्सप्लोर में जाइए, अब देखो बोनस से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक हमें मिलेगा। अब क्या करना है आपको, बोनस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बोनस लिखने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको, एक मिनट, यहाँ पे बोनस लिख देते हैं, सॉरी। यहाँ पे बोनस लिखने के बाद हमने बोनस सिलेक्ट कर लिया और बोनस सिलेक्ट करने के बाद अब हम इटली, यहाँ पे हमारा कंट्री है, और यहाँ पे पास्ट डे हम सिलेक्ट कर लेंगे। और पास्ट डे सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे बोनस से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम आएंगे यहाँ पे और देखिए यहाँ पे बोनस से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सोशल कार्ड बोनस 460 यूरो, 1950% से बढ़ा है, 800% से, 600% से, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे जिस पे आप आर्टिकल बना सकते हो बोनस से रिलेटेड, ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई और टॉपिक सिलेक्ट करते हो, जैसे इंडिया में ब्लॉगिंग के बारे में लोग सर्च करते हैं, तो इटली में भी आप ब्लॉगिंग के बारे में सिखा सकते हो इटालियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे हम यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड निकालेंगे। तो रिसर का बोनस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, रिसर का बोनस सर्च करके। तो देखिए ये रिसर का बोनस, ये हमारी साइट है, बोनस से रिलेटेड है एंड इसके बहुत सारे आर्टिकल बेसिकली अभी यहाँ पे रैंक भी कर रहे हैं गूगल में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार ट्रैफिक देख लेता हूँ, कुछ ट्रैफिक बढ़ा होगा यहाँ पे भी। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ट्रैफिक है 1700 है, 1500 है और यहाँ पे अभी 2100 पर मंथ ट्रैफिक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना अच्छा मिलता है, देखिए यहाँ पे ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, जो भी ब्लॉगिंग आप करने जा रहे हो तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को फोकस करो, उसमें ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ पे बेसिकली रैंक कर जाओगे और वहाँ से अच्छा ट्रैफिक लाके अच्छा पैसा कमाओगे। देखो इंटरनेशनल ब्लॉग में यही फ़ायदा होता है कि कम ट्रैफिक में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि CPC हाई मिलती है। और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको बेसिकली यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल देना है और उसे ट्रांसलेट कर लेना है जिस भी लैंग्वेज में आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यही है वीडियो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे इंटरनेशनल कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो और उस पर अपना ब्लॉग बना सकते हो। आप ये देखो इंडिया में क्या चीज़ें हैं और वहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वेब पी इमेज कन्वर्टर, ठीक है। वेब पी इमेज कन्वर्टर, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे एक कन्वर्टर होते होंगे, वेब पी इमेज कन्वर्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कन्वर्टर लिखा और देखिए इसका मतलब होता है कन्वर्टर डी इमेज इन, हाँ तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे HRF कीवर्ड टूल में आ जाऊँगा और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और ये डी को हम हटा देंगे क्योंकि ये पूरा नहीं, ये हमारा कीवर्ड है। और फाइंड कीवर्ड पे हम क्लिक करेंगे
तो आप चाहो ना तो इंटरनेशनल टूल वेबसाइट भी बना सकते हो। कीवर्ड रिसर्च करना मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये ईमेल, ये टूल्स हैं, ठीक है। तो ये देखो इसमें सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे मत देखो कि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बहुत कम दिख रहा है, वहाँ पे जब आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आपको आंकड़ा लग जाएगा कि कितना सर्च वॉल्यूम है। और डेली डेली यूजर आएंगे, एक बार आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे। तो चलिए हम एक कीवर्ड को यहाँ पे बेसिकली गूगल में डाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग IT.IT डोमेन को लेकर यहाँ पे टूल वेबसाइट नहीं बना रखे हैं। देखो यहाँ पे इस कीवर्ड पर, इटालियन कीवर्ड पर देखो तो यहाँ पे कोई भी .IT डोमेन आपको नहीं दिखेगा। तो .IT डोमेन लेकर आप यहाँ पे टूल वेबसाइट बना सकते हो और डेफिनेटली आप रैंक करोगे, क्योंकि किसी ने कंट्री लेवल डोमेन को लिया नहीं है, तो आप डेफिनेटली रैंक कर जाओगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं। धन्यवाद।